कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन लागू है, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान पुलिस टीम पर हमले भी हो रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर आज भी देश की सेवा में लगी हुई है। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में गाजियाबाद के लोनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस जवानों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। वहीं लोनी क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे भी गीत गाकर लोगों को अपने घरों में रहने के लिए अपील की और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। ये इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि जो अपना प्रशासन है, चाहे उसमें सफाई कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे अपने जो अभी ईओ साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, ये लोग बहुत ही मन से लगे हुए हैं जिससे हम कोरोना को भगा सकें। और उसी का सुपरिणाम ये है कि अभी तक लोनी के अंदर केवल एक दो केस नहीं पुराने मिले हैं। इन लोगों की मेहनत रंग ला रही है और समाज का ही पूरा सहयोग है और हमारे लोग इसलिए इन लोगों का स्वागत कर रहे हैं कि ये बहुत बड़े योद्धा हैं। इस टाइम सैनिक जैसे सीमा पर लड़कर अपनी जान की बाजी लगाता है, इस टाइम ये सब लोग भी अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं, तो इसलिए हम इनका उत्साहवर्धन करने के लिए इन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा और हमारे जितने भी ये सैनिक लगे हुए हैं ये सब कामयाब होंगे। ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हम लोगों के सम्मान में ये चीज़ें की है। हम कोरोना के खिलाफ जो हमारी ड्यूटी है पूरी ड्यूटी में सतर्क रहेंगे। हमारी ड्यूटी है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले, इसेंशियल कमोडिटी दूध फल सब्जी और राशन छोड़ के एक भी व्यक्ति बाहर न निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। एसएसपी सर और डीएम सर की मंशा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में हम लोग उसका कड़ाई से पालन करवा रहे हैं और कोरोना हारेगा, हमारा देश जीतेगा, हम कामयाब होंगे।